संस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से कितने लोग पहली बार आ रहे हैं? बहुत अच्छा, मेजर संख्या तो सबसे पहली बार आ रहे हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन से जुड़े हैं? काफी संख्या। अभी ऑनलाइन से जुड़े हैं? पहली बार ऑनलाइन। ये तो बहुत जब हमने शुरू किया था तो हम लोग को लगता था कि ऑनलाइन में तो बहुत कम हो तो पाएगा, कुछ नहीं होता है। सुबह ऑनलाइन ये कहते हैं कि जो लोग सुबह ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते हैं वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे क्यों मिल रहे हैं, इसका जो पर्पस है उसको हम लोग पूरा तीनों दिन ध्यान रख करके करेंगे। तो एक तो एक दूसरे के साथ में मिलना हो जाए सबका, सब लोग एक दूसरे को जान लें, पहचान लें, और एक दूसरे का बैकग्राउंड सब बहुत अच्छा रहेगा कि सब लोग एक्चुअली जाने सबको। तो उसके लिए हम लोग शेयरिंग करते हैं बहुत सारे हैं एक लंबे समय से, उनका आपस में एक मिलना जुलना हो जाए, आपस का एक परिचय हो जाए। तो जो काम साथ साथ मिलके कर रहे हैं उसको उस आत्मीयता के साथ कर सके जैसा हम लोग एक बहुत क्लोज नेट परिवार के द्वारा करते हैं। तो एक तो आशा ही है, क्योंकि 2019 मार्च के पहले ही जब बहुत सारे लोग जुड़ने लगे थे तो सबकी अपेक्षा थी कि एक बार आपस में मिलने का एक प्राविधान होना चाहिए। तो मार्च 2019 में पहली बार हम लोगों ने एक बैठक इस तरह की रखी थी जिसमें करीब 30-35 लोग आए थे और बहुत अच्छी रही वो बैठक। लेकिन उसके तुरंत बाद एक अप्रैल में रखा गया था जो कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया और अभी तक वो रिकवर नहीं हो पाया। तो कोरोना के बाद करीब 2.5 साल के गैप के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं उसी क्रम में। तो एक तो आशा ही है कि हम लोग आपस में मिलें, जो हम लोग ऑनलाइन एक दूसरे को सुनते रहे हैं, है ना, और आवाज़ से पहचानते हैं एक दूसरे को। काम तो अभी भी बहुत वेल में परिवार के ढंग से कर रहे हैं, इतना बड़े काम को इतने व्यवस्थित ढंग से किया जा पा रहा है और बहुत मिनिमम रिसोर्स, वो एक बड़ी बात है। क्योंकि जितना मुझे याद है AICT का जो वर्कशॉप हम लोग करते थे शुरू में, तो एक व्यक्ति का खर्च प्रति मतलब वर्कशॉप करीब 20,000 रुपये आता था, 10,000 से 20,000 रुपये आता था, ठीक है। अभी जो वर्कशॉप कर रहे हैं ऑनलाइन उसका 20 रुपया प्रति वर्कशॉप। ये रेशियो है। तो और इतना अच्छे से हो रहा है, मतलब जो वर्कशॉप हम लोग जैसा अभी बताया गया था कि AICT के लोगों के बहुत आग्रह करने पर हम लोगों ने तो नहीं करने के दृष्टि से ये शर्त रखा था कि AICT के जो ऑफिशियल्स हैं पहले वो करेंगे, उनके रिस्पांस को देखकर फिर हम लोग तय करेंगे। इस मानसिकता से हम लोगों ने शुरू किया था, बट उन्होंने जितनी तत्परता दिखाई और वर्कशॉप का जो आउटकम रहा उसके बाद तय हुआ कि उसको करके देखते हैं। तो वो जो वर्कशॉप शुरू हुआ करके देखने का की दृष्टि से, उसके कंटिन्यूस में 100 वर्कशॉप पूरे हो गए लगातार, अब तो 110 के आसपास, कितना हो गया, 117 वर्कशॉप चल रहा है। अब मैं तो सिर्फ 100 के हिसाब से रखता हूँ। पहली वर्कशॉप अभी नहीं जुड़ा है, स्टूडेंट वर्कशॉप भी नहीं जुड़ा है। और कंटिन्यूएशन में हो गया, मतलब बिना एक भी गैप के, है ना। और जो बात अभी भांगर जी कह रहे थे कि ये सोचना कि टीचर जो मतलब बिना पैसे के लिए कुछ सोचते नहीं करने का, बहुत लोग का पैसा लेके भी करने की नहीं सोचते हैं। तो
वो बिना कुछ लिए और बिना कुछ लिए नहीं अपने घर से लगा कर है ना, बहुत सारा तो घर से लगा के करते ही होंगे आप सब लोग, अलग अलग काम से हो जाता होगा। तो उससे कंटिन्यूएशन में 100 वर्कशॉप कर पाना है ना उन लोगों के साथ जिनको फेस में देखा नहीं एक दूसरे को है ना। जैसे यहाँ पे करीब 10 लोग ऐसे हैं जिनको मैं पहली बार देख रहा हूँ, जबकि मैं ज्यादातर लोगों से मतलब मिलता रहता हूँ पर्पस फुली है ना। और संजोग से मैं पुणे था काफ़ी समय तक, तो पूना के बहुत पूना बॉम्बे के लोगों से जो है भेंट हो गई, बट फिर भी इतने लोग हैं जो जिनसे मैं नहीं मिला, और आपस में आप लोग तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको जो नहीं मिले होंगे। तो वो काम तो हो ही रहा है ऑलरेडी इतनी तत्परता के साथ, बट आपस में मिल रहे हैं एक दूसरे को देख रहे हैं। मैं कह रहा था कि सूरदास जी कैसे काम करते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं हम लोग किसी आवाज से जो है बिना एक दूसरे को देखे हुए। तो मिलना हो जाए आपस में एक दूसरे से और थोड़ी अच्छी घनिष्ठता हो जाए, एक आत्मीयता बन जाए, तो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा मतलब विस्तार से हम लोग काम कर सकते हैं। तो एक तो आशय ये था। दूसरा आशय ये भी था कि जो बहुत एक बड़ी बात सोच रहे हैं हम लोग, तो उसके संदर्भ में एक तो बात क्या है पूरी वो ध्यान में आ जाए, और उसको उसके लिए क्या करना है और कैसे करना है वो ध्यान में आ जाए। और उससे भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो इतनी बड़ी बात लगती है, जिसको भानु जी ने कहा कि पहले तो बहुत थ्रिटिकल या बहुत हाई एम्बिशस चीज लगती है, वो ऐसी बहुत थ्रिटिकल या हाई एम्बिशस नहीं है, बल्कि कोई ऐसी चीज है जो बहुत एसेंशियल है हम सबके लिए, आवश्यक है। इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता और मनुष्य जाति का काम नहीं चल सकता, तक का काम चल सकता है, आदमी का काम नहीं चल सकता, इतना एसेंशियल कोई चीज है ये। एक तो ये ध्यान में आ जाए, फिर ये ध्यान में आ जाए कि एसेंशियल होने के साथ साथ ड्यूएबल है, किया जा सकता है कि नहीं। तो वो बात भी भानु जी ने रखी कि शुरू में ऐसा लगता था कि नहीं कर सकते, लेकिन बहुत अनजाने में ये पता लगने लगा कि कुछ हो रहा है, मित्रों के फीडबैक से और स्टूडेंट्स के फीडबैक से ये पता लगने लगा कि कुछ हो रहा है, हो सकता है ना, डूएबल है। और तीसरी बात इन दोनों से डिस्कस के रूप में जो निकलती है वो ये कि अगर ये एसेंशियल भी है और डूएबल है तो हम लोग कर सकते, वी कैन डू इट। और उसी में से एक और निष्कर्ष ये निकल सकता है कि मैं उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट हो सकता हूँ, उस दोनों जो करने का काम है जो कर रहे हैं हम सब लोग मिलकर, उसमें मेरी भूमिका बहुत अहम हो सकती है। तो ऐसे देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी भूमिका होगी, लेकिन पूरे को अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। तो जैसे अभी जिस तरह का एक सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हुआ और खास करके ऑनलाइन वर्कशॉप में डेवलप हुआ, उसको अगर देखेंगे तो आप एक शिविर में अगर एक सेशन भी ले रहे हैं 1.5 घंटे का, तो ऐसे 20 लोग मिलकर एक वर्कशॉप चला सकते हैं जिससे 1000 लोग लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है। और ये 1000 लोग जो हैं वो टीचर्स हैं, तो अभी एक टीचर कम से कम 100 बच्चों को तो इन्फ्लुएंस करता ही है कि नहीं, तो कितना हो गया संख्या 1,00,000, तो 1,00,000 लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपना एक सेशन है ना 1.5 घंटे का लगा कर। तो 1.5 घंटा ही नहीं होता है, उसके पहले आपको बहुत घिसना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है ना ये सब। बट वो जो पहले आप कर रहे हैं उसका रिटर्न तो आपको मिल ही रहा है, आप जितना अपने पर काम कर रहे हैं, जितनी बात आपको समझ में आ रही है, जितना आपके जीने में आ रहा है, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो सुधर ही रही है।
तो इतना थोड़ा समय लगाकर भी हम इतना मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और ये अब संख्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी है, जो भानु जी ने उन सब बातों को इंगित किया कि शुरू में तो 10 लोग थे, 5 लोग थे, तो ऐसा लगता था कि 10-5 लोग मिलकर करेंगे तो कितना करेंगे। अभी तो कुछ 600 लोग हैं जो वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, तो इतना गुना तो हो गया है। और प्रोसेस भी बहुत इवॉल्व हुआ है ना? पहले क्या था कि हम लोग तो प्रोसेस को इवॉल्व कर रहे हैं, जैसे अभी आपको एक्सरसाइज 1 और 2 जितने सिस्टमेटिक ढंग से मिल रहा है ना, वो भी बहुत धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। जैसे आप बता रहे मानो जिन्हें कि जब लोग इस काम को करने लगे है ना, और इसमें गति भी होने लगी और सामने वाला बैठकर उसको अप्रिशिएट कर पा रहा है और आपको बहुत धन्यवाद दे रहा है और आपको भी अप्रिशिएट कर रहा है ना कि आपने बहुत कीमती बात कही और बहुत हमारे में बदलाव हुआ है, तो फिर आपको अपने में प्रश्न उठना शुरू होता है कि इतना बदलाव तो हमारे में हुआ नहीं जितना आप बता रहा है। तो फिर वो दबाव बनना शुरू हुआ। अब तो बहुत भद्दर सी मस्ती है ना, आपको समझ में आता होगा कैसा होता प्रोसेस है ना ये। तो आप भद्दर मच रही है तो क्या करें, ये जो बाहर काम हो रहा है उससे अपने अंदर में जो हो रहा है उसका कंपेटेबिलिटी बनाना है, तब ये सब प्रोसेस शुरू हुआ अपने भाव विचार को ध्यान देने का और है ना, फिर उस भाव विचार के पीछे जो संस्कार है उस पर ध्यान देने का, उसको कैसे हम देख सकते हैं, कैसे उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये सहज स्वीकृति की जो बात है ना, अगर आप उसको थोड़ा स्टडी करके देखेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी जो आपका भाव विचार है वो उल्टा पुल्टा सब है ना, सही भी है गलत भी है। अब इसको जब आप देखने जाएंगे तो मूल्यांकन कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो आप ही का भाव विचार है, उसी से आप सोच रहे हैं तय कर रहे हैं और उसमें सही गलत दोनों हैं, इसको कैसे आप इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है ना। तो फिर ये आया कि भाई ये करने का क्षमता भी हमारे में है ना, वो तो प्रोसेस से इवॉल्व हुआ कि ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज भी हमारे अंदर है जिसके पास ये बेसिक रेफरेंस बना हुआ है, तो उसको एक नाम दे दिया कि यह सहज स्वीकृति हमारी है, हमको क्या सहज रूप से स्वीकार है और क्या हमने स्वीकार रखा है, ये दोनों भी एक नहीं है। बट वो बेसिक रेफरेंस है, इस बात का एक भरोसा अपने में बना धीरे धीरे और उसको बेस बनाकर हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो जब शुरू में ये बात हम लोगों ने शुरू की थी तो लोग कहते थे कि ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि सबकी अलग अलग सहज स्वीकृति होती है। अभी वो प्रश्न आता रहता है काफी समय तक। तो हम लोगों ने कहा कि करके देखते हैं, 5,000 सैंपल्स के साथ ट्राई करते हैं, इसमें क्या। तो ये सैंपल के साथ ट्राई करते करते ये समझ में आया कि इतना मामला गर्व में नहीं है, तो हम बिल्कुल दिशाहीन छोड़ दिए गए हैं इतने बड़े संसार में, ऐसा नहीं है ना। उसका जो कैंपस है वो हमारे पास है कि कोई तो नेविगेशन के लिए हमारे पास बेसिक रेफरेंस है जिसमें हम तय कर सकते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, भले हम उसको टेंशन पे ना कर रहे हों, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हों, बट वो बेसिक रेफरेंस हमारे पास है। तो ये बात भी ध्यान में आ गई। तो ऐसा कर करके एक एक चीज़ इवॉल्व हुई है ना। बट आज के दिन अपने पास बहुत एक आराम की स्थिति है, बाहर काम करने की दृष्टि से भी, अंदर काम करने की दृष्टि से भी। अंदर भी जब देखेंगे तो सेल्फ के लेवल पर काम करने की दृष्टि से, अपने शरीर के साथ काम करने की दृष्टि से, अपनी परस्परता के साथ काम करने की दृष्टि से, तो वो सब अनुकूलताएँ बन गई हैं। तो ये सब देखकर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें जो मैंने कहा कि ये जो इतना बड़ा हम लोग सोच रहे हैं विजन फॉर ए ह्यूमन सोसाइटी की बात सोच रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज़ है जो एसेंशियल है हमारे लिए, के लिए ये ड्यूएबल है, हम सब मिलकर कर सकते हैं इस काम को, और उसमें हमारी एक बहुत सिग्निफिकेंट है ना जिम्मेदारी और भागीदारी हो सकती है। ऐसा चार डिस्कस हम लोग इससे निकाल पाएंगे इस पूरी चर्चा से तो बहुत उपयोगी रहेगा। और ये निष्कर्ष अगर निकाल पाएंगे
तो जो अगला मतलब उससे वो करना चाहते हैं हम लोग, वो ये करना चाहते हैं कि इस काम को करने के दृष्टि से जो चीज़ें आज के दिन हम लोग कर रहे हैं, सभी काम तो नहीं कर रहे हैं बट उसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है कि भाई ये दिस इज आवर पार्ट ऑफ द वर्क है और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे एजुकेशन, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इसको लेकर जाने के दृष्टि से हम लोगों की एक मीनिंगफुल भागीदारी हो सकती है, ऐसा जो हम लोगों ने तय किया है और उसके तहत जो यूएसबी का काम हम लोग चला रहे हैं अभी आईसीटी के माध्यम से पूरे देश के प्रोफेशनल कॉलेजेस में, और धीरे धीरे यूजीसी के साथ काम करने का और स्कूल एजुकेशन के टीचर्स के साथ काम करने का भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उसमें से इमर्ज हो रही है। उसको करने में हम क्या जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, तो जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से हम किन चीज़ों की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसको अपनी जिम्मेदारी पर कर सकते हैं, और उसके लिए जो भी आवश्यक टीम है या डेवलप करनी है उसको डेवलप करके उसको हम गति दे सकते हैं। तो ऐसा अभी हम लोग मानते हैं कि करीब 100 लोग तो ऐसे जिम्मेदार चाहिए जो इन 100 एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट्स को अपनी जिम्मेदारी पर ले सकें और उसके लिए जो तैयारी उनको करनी है उसको कर सकें। उसके लिए टीम ऑलरेडी है तो उस टीम को प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर सकें, गति दे सकें, नहीं है तो टीम के लोगों को पहचान सकें, उनको जोड़ सकें और उस जिम्मेदारी को अपने कोऑर्डिनेशन में पूरा कर सकें, क्योंकि काम तो बढ़ता जा रहा है और जैसा अभी मान जी ने बताया आप सबको जानकारी में है ही कि धीरे धीरे चीज़ें इसी तरह से इवॉल्व हुई हैं, तो जितने लोग जिम्मेदार होते गए हैं उतनी और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हम लोग लेते रहे लेना है ना शुरू किए हैं और उसको उतना तरह से निर्वाह किए हैं। अच्छी बात यह है जो थोड़ा कठिन होता है कि एक लंबा 30-40 साल का समय तक इसको सस्टेन किया गया है और ये तो आपको अनुमान होगा कि कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कोई भी इतना स्मूथ नहीं होता है ना। आप छोटे से छोटा परिवार चलाने जाते हैं तो कितने सारे बच्चे आते हैं, एक इतना बड़ा परिवार और इतने बड़े पर्पस के लिए जब आप उसको चलाने जाते हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उस उतार चढ़ाव में उसको हम लोग सस्टेन कर पा रहे हैं कलेक्टिवली है, तो वो सस्टेन कर पाए हैं और उसके कारण एक तरह का एक सिस्टम, एक ट्रेडिशन जैसा बन गया है। वो जितना ज़्यादा बनता जाता है उतना ज़्यादा आसान होता जाता है, ट्रेडिशन को बनाना शुरू में कठिन होता है बट उसके अपने एक एडवांटेज ये है कि उसका फिर अपना एक जो है मोमेंटम होता है ना, उस मोमेंटम के तहत बहुत सारी चीज़ें फिर चलने लगती हैं। जब आप शुरू कर रहे हैं और बहुत थोड़े साइज पे कर रहे हैं तो ये जो जर्क्स आते हैं वो उसको आपको एब्जॉर्ब करना ज़्यादा मुश्किल होता है। ये जो इंजन देखें ना, डीजल इंजन चलते हैं उसमें एक बड़ा सा वो लगता है, क्या कहते हैं उसको, तो इंजन में जितने भी फ्लक्चुएशंस होते हैं उसके कारण आपके आउटपुट में फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो ये एडवांटेज है ट्रेडिशन का। लेकिन डिसएडवांटेज भी एक है ट्रेडिशन का जिसको हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो डिसएडवांटेज ये है, ये जो ट्रेडिशन होते हैं ना इसमें अगर सेल्फ इवैल्यूएशन का और सेल्फ करेक्शन का प्रोसेस ना हो है ना, तो उसकी सार्थकता ना होने पर भी वो चलाता रहता है। ये समझ में आता है, हाँ वो भी बड़ा झंझट का काम है। तो इसलिए हम लोग बार बार इस बात पर ध्यान दिलाते हैं, जैसे एक्सरसाइज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज वन एक्सरसाइज टू के बारे में, तो हम लोग बार बार ये कहते हैं कि इट इज़ वन ऑफ दी वे ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, वो दी वे नहीं है, है ना। यूएचबी की बात जब हम करते हैं तो यूएचबी इज वन ऑफ दी वे, ऐसा नहीं कि दी वे है, क्योंकि एक बार ये हो गया मानस में हमारे कि यही तरीका है तो फिर बाकी सबसे आप झगड़ा करना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक तरीका है, ये ध्यान में आना जरूरी है, और ये जितने भी ट्रेडिशन हम बनाते हैं अस्तित्व उससे बड़ा है, उसका कुछ भाग हमने समझा ठीक है, और उस जगह हम ठीक से कैसे जी सकते हैं उसके बारे में कुछ विधि हमने प्रोसेस आर्टिकुलेट किया
उसके तहत एक प्रोग्राम बनाए है ना, और उतने को जो नीचे जो दिख रहा था उसको हम ठीक से कवर कर पा रहे हैं, बट अस्तित्व इतना ही बड़ा नहीं है, इससे बड़ा है, और जितना हमने अस्तित्व को जाना है आगे लोग उस पर आगे जान पाएंगे है ना, ज़्यादा अच्छा प्रोसेस डेवलप कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम बना पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो उनके लिए हमको स्पेस बनाकर करना चाहिए। ट्रेडिशन के जो कई बार कठिनाई होती है कि वो स्पेस नहीं बन पाता, और उसका नहीं बनने का कारण भी अगर देखेंगे तो ये है कि कहीं ना कहीं हमारी अहमता होगी, क्योंकि हम माने रहते हैं कि हम तो सबसे महत्वपूर्ण आदमी हैं, तो जो हम कर रहे हैं वो सबसे सही होना चाहिए, बाकी सब तो बेकार ही होंगे नहीं। तो उस दृष्टि से एक अच्छी स्थिति बनी है कि एक तरह की ट्रेडिशन अभी बन पाई है, जिसके तहत काम चल रहा है, जिसके तहत लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जो लाभान्वित हो रहे हैं वो जुड़ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं उनका एक कमिटमेंट बन रहा है, तो करते हैं तो उसका एक डबल रिटर्न मिलता है अपने को भी, और समाज में भी जो सार्थकता होती है उससे उनका उत्साह बढ़ता है, तो ऐसा क्रम चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है काम, वैसे वैसे जिम्मेदारियाँ और तरह की आती जाती हैं, और स्केल भी बढ़ता जाता है, तो फिर ऐसे लोग चाहिए जो उन जिम्मेदारियों को इंडिपेंडेंटली संभाल सकें। तो अभी हम लोग एक जगह पर हैं जहाँ काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कई सारी नई जिम्मेदारियाँ आ रही हैं, तो उनको संभालने के लिए इंडिपेंडेंटली लोग चाहिए, जो हम जो ये तय करें कि भाई ठीक है अभी तक हम किसी के गाइडेंस में इसको कर रहे थे, अब उनको इसकी आवश्यकता उपयोगिता समझ में आ रही है और मेरा कॉम्पिटेंस भी पहले से डेवलप हुआ है, तो मैं इसको इंडिपेंडेंटली ले सकता हूँ, जहाँ हमको आवश्यकता होगी हम गाइडेंस ले लेंगे, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी मानकर करूँगा इसको। तो वो एक आवश्यक भाग है जो तीन दिन के सत्र से हम लोग निकालना चाहते हैं। उसमें सुनने में थोड़ा संकोच होता है, हमको लगता है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और इतनी सारी और जिम्मेदारियों के साथ कहीं बोझ बढ़ ना जाए हमारा, लेकिन एक बात तो तय करना ही पड़ता है, जब आप करने लगते हैं तब आपको दिखता है कि समय निकल ही जाता है, क्योंकि हम अभी भी बहुत सारा समय इधर की चीज़ों में लगा रहे हैं, जो कम महत्वपूर्ण की चीज़ें हैं उसको हम ज़्यादा महत्वपूर्ण की चीज़ों को छोड़ कर लगा रहे हैं ना। अच्छा, कम महत्वपूर्ण की चीज़ों में अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप करते हैं ना समय का, तो उसके रिजल्ट उतने नहीं आते जितना आप अपेक्षा करें, तो थोड़े समय के बाद उसका बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। तो ये जो मैंने कहा कि एसेंशियल है ये ध्यान में आ जाए, डुएबल है ये ध्यान में आ जाए, हम सब मिलकर इसको कर सकते हैं, और उसमें हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इतना निष्कर्ष अगर निकल आएगा तो आप लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आज के दिन जो इमीडिएट हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं ना, उनका उनमें किसकी जिम्मेदारी आप स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं, और स्वतंत्र रूप का मतलब मनमानी नहीं है, स्वतंत्र रूप का मतलब है जिम्मेदारी हमारी है, उसके लिए हम दोनों तरह से करेंगे, जो हमसे ज़्यादा विकसित लोग हैं उनका गाइडेंस लेंगे है ना, और जिनको हमको तैयार करना है उनको हम तैयार भी करेंगे और उनके साथ काम भी करेंगे, उनके लिए जो कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है उस कोऑर्डिनेशन को भी करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हम सब लोग इवॉल्व हुए हैं उस प्रोसेस में, वैसा आप भी और आगे इवॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखना ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन है इस पूरी बैठक से, इस पर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं चार मिनट में, नहीं तो फिर मैं आगे बारे में थोड़ी बात उतार चढ़ाव कर देखता हूँ। ये वो उतार चढ़ाव की बात आप जो बोल रहे थे उसमें जो सहज स्वीकृति का जो कैलिब्रेशन कहते हैं उसको, संस्कृति को बेसिक रेफरेंस तो हमारे पास में है ही, जो वहाँ बात वो बेसिक रेफरेंस क्या भैया एक्सरसाइज वन एक्सरसाइज टू है क्या, मतलब कैसे वो उसको हमारी संस्कृति के बारे में कई बार तो हम कुछ डेले हवा में चले जाते हैं कि भैया हमारा कोर्स ऑफ एक्शन फिर हम जो सोचते हैं उसमें भी संस्कृति को ठीक से टेस्ट करने के लिए बेसिक रेफरेंस फिर आपने वहाँ छोड़ दिया था, तो वो बेसिक रेफरेंस को हमारे जो एक्सरसाइज वन एक्सरसाइज टू का जो पूरा प्रोसेस है उसमें से टेस्ट करना है।
देखिए एक्सरसाइज वन और टू से सिग्नल कर रहा है कि आपको अपने प्रतिकृति की तरफ ध्यान दिलाते रहे, ठीक है ना। उसमें भी देखिए अगर ब्रॉडली देखेंगे तो जितने भी भाव के संदर्भ में आप प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना, उसमें तो सहज स्वीकृति के को लेकर कोई दुविधा नहीं आती कि आपके, जैसे आपको संबंध का भाव सहज स्वीकार है कि विरोध का, इसमें कोई दुविधा होती है किसी को? नहीं, नहीं होती। मुख्य तो उसी को सॉर्ट आउट करना है। अगर भाव हमारा सही हो तो उसको कैसे करेंगे परस्परता में निर्वाह, इसके संदर्भ में विचार होता है, ठीक। विचार जब आप करने जाते हैं तो बाहर का परिस्थिति प्लस आपका भाव, ये दोनों के योग में विस्तार करते हैं। जैसे आपको पढ़ना लिखना आता है, ये भी पढ़ना लिखना आता है, तो मैं पढ़ लिख के कुछ बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता या मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता तो क्या करते हैं? तो बोलकर काम चलाते नहीं, बोलना भी ना आता हो तो हम क्या करें, सुनना भी नहीं आता हो तो फिर साइन लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम विचार की जगह पर जाते हैं उसमें भाव प्रधान है, भाव को फिक्स कर ले, ठीक है ना। विचार पर जितना फैलाना फैलाए, आशा में और ज्यादा फैला सकते हैं, बाहर व्यवहार में और ज्यादा फैला सकते हैं, दुविधा वहां नहीं है, दुविधा तो भाव की जगह पर है। और भाव को सॉर्ट आउट करना तो कोई मुश्किल नहीं है, आप अपने से पूछिए, उसमें कोई दुविधा नहीं आती। दुविधा विचार की जगह पर आती है कुछ है, और वो तो आएगी क्योंकि वो देश काल परिस्थिति पर निर्भर कर रहा है। तो अगर भाव सही है तो देश काल परिस्थिति के साथ अपन तय कर सकते हैं कि क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले जब हम लोग चलाते थे शिविर तो तीन बड़ा बड़े वो रखते थे बोर्ड, 8-8 फीट के, 24 फीट का। तो एक बोर्ड तो हम लोग इस काम के लिए रखते थे कि जो करंट चर्चा हो रही है उसको करते थे, दूसरा बोर्ड इसलिए था कि करंट चर्चा में जो भी निष्कर्ष निकला उसको हम लोग एक लेफ्ट मोस्ट बोर्ड में रख देते थे, ठीक है। तो ऐसा करते करते शिविर के अंत तक, 8 दिन के शिविर में 48 घंटे का जो सेशन होता था उसका सारा कंटेंट इन दो बोर्ड में आ जाता था, ये बोर्ड फिर खाली रहता था तब तक। उसमें जितना काम हुआ वो सब आपको पीपीटी में दिख रहा है, लेकिन पीपीटी में अपने पास बहुत स्पेस है, उसको हम यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, लेकिन बोर्ड में तो उतना स्पेस नहीं होता था। तो एक्सपेंशन वाला काम एक बोर्ड में करते थे, उसमें से जो कंडेंस आ जाता था उसको वहां प्लेस कर देते। अब ये सारे मोड क्या है कि पीपीटी का एक मोड है, उसके लिए अलग तरह से हम कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड का अपना एक मोड था उसको अलग तरह से कर सकते हैं। हम लोग झाबुआ में एक वर्कशॉप चला रहे थे, तो एक हमारे मित्र से सर्वोदय के, उन्होंने कहा कि हम गांव में जाएंगे, इंटीरियर गांव में, वहां पर वर्कशॉप चलाना है। वो गए तो दाहोद के पास आदिवासियों का एक गांव, वो गुजरात और इसके बॉर्डर में पड़ता है। तो उन आदिवासियों के साथ उन्होंने दिन भर मेहनत की और शाम को आए तो बड़े थके हुए थे और बड़े निराश हो रहे थे। तो हमने कहा कि क्या हुआ, बहुत लगे रहे, थके हुए लग रहे, काफी उत्साही व्यक्ति हुआ करते थे, उससे भी उम्र उनकी 75 साल थी, तभी उनका उत्साह बहुत था। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, हम जिन लोगों से बात करने गए शुरू में तो थोड़ा बहुत उनको समझ में आया, बट फिर ये पता लगा कि हमारी भाषा और उनकी भाषा ही अलग है। तो मैंने कहा फिर क्या करना, कल फिर जाएंगे और क्या। तो अगले दिन गए और लौट कर जब आए तो बड़े खुश थे। तो क्या हुआ, आज काफी आप खुश लगे, कहा कि बात पकड़ना आ गई, उनकी भाषा आपको पकड़ना आ गई, हमारी भाषा उनको पकड़ना आ गई। तो ये झाबुआ के जो बिल्कुल गुजरात के बॉर्डर में है, दाहोद के पास, दाहोद गुजरात में पड़ता है। तो वो जब वो जाकर ये सब मैं और शरीर के बारे बता रहे थे, जड़ चैतन्य आदि सब के बारे में, तो उसमें से किसी ने बताया कि अच्छा आप देह और देही की बात कर रहे हैं। तो
इस देश में तो सब कल्चर है ना, उसका भाषा सब कुछ भी हो, तो उनकी जो लैंग्वेज है आदिवासियों की भी, वो देह और देही शब्द प्रयोग करते हैं। देह का मतलब ये शरीर, देही मतलब उस शरीर में जो रहता है, इसको चलाता है। तो कहा कि किसी ने कहा कि अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं, तो उसके बाद सब काम बहुत आसान हो गया है। तो वो जो डिटेलिंग है ना, उस पर राष्ट्रीय को लगाने की जरूरत नहीं है। वो डिटेलिंग तो हम देश का परिस्थिति के हिसाब से करेंगे। जो भाव पक्ष है वहाँ पर सहज स्वीकार्यता को तय करने की लगाने की जरूरत है, और उसमें कोई डाउट नहीं होता। बताओ तो आप बताइए, कोई एग्जाम्पल, स्नेह का भाव या द्वेष का भाव क्या आपको सहज स्वीकार होगा? स्नेह का होगा, चाहे दुनिया भर से आप द्वेष कर रहे हैं। भाई आज के दिन तो शिक्षा में द्वेष ही सिखा रहे ना, स्नेह कहाँ सिखा रहे? हमको दूसरे के साथ चलना है या हमको दूसरे से आगे बढ़ना है, क्या सिखा रहे? उसको कंपटीशन कहते हैं, फेयर कंपटीशन कहते हैं, तो बहुत सारी बातें बताते हैं, ठीक है ना। बट निष्कर्ष तो यही निकलता है कि हमको जरूरत होते दूसरे के कंधे में लात रखकर, पाँव रखकर जंप ओवर कर जाना है। तो रेफरेंस तो आप ही के पास है, और कहीं से रेफरेंस की बात हम नहीं कर रहे, वो आपके पास है। बाहर से कोई रेफरेंस जो मिलता है वो इतना ही मिलता है कि उस पर ध्यान दिला दिया जाता है कि ये सही है कि वो सही है, इतना ही रेफरेंस बाहर से मिलता है हमको। ये जो सही का एक पॉसिबिलिटी है उसका अगर ध्यान आपको दिलाया जाए और आप अपने से पूछते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है अपने सेंसिटिविटी से टेस्ट करना कि हाँ यही दो है जो हम चाहते हैं। तो आप एक्सरसाइज वन से एक्सरसाइज टू जो है या उसके साथ स्टेप, वो बेसिक रेफरेंस नहीं है। बेसिक रेफरेंस तो आपके अंदर ही जो है वही है, ठीक। तो इतने के साथ कितने आपको डेढ़ बजे चलाना है सर जी? तो इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये जो एक व्यापक दृष्टि के साथ हम लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें तीन ये एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। एक तो पर्पस क्या है, क्या चाहते हैं अचीव करना। दूसरा ये कि उसको अचीव करने का प्रोसेस क्या होगा, और तीसरा ये कि उस प्रोसेस के तहत हमारे प्रोग्राम्स क्या होंगे, ठीक है। तो पर्पस क्या है और प्रोसेस क्या है और प्रोग्राम क्या है, उसको और रिफाइन कर सकते हैं, इसकी डिटेलिंग और बढ़ा सकते हैं हम लोग, बट अभी एक इतने को लेकर चलते हैं। जैसे प्रोग्राम को जब फैलाएंगे तो अभी राजू भैया सेशन लेंगे, तो उस प्रोग्राम के तहत हमारे एक्टिविटीज क्या होंगे, प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, इस तरह के डिटेल्स की बात होगी आगे चलकर। तो विजन से हम लोग शुरू करते हैं। तो बहुत ब्रीफली हम लोग यहाँ पर डिफाइन किए हैं। एक तो पर्पस ये है कि हम फुल सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, इस पर काफ़ी विस्तार से बात हो गई है। क्या चाहते हैं? सुखी होना, समृद्ध होना, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे तो इस कलेक्टिव लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर देखेंगे तो ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें सभी सुखी हैं, समृद्ध हैं, या सुखी समृद्ध हो सकते हैं। तो मुख्य पर्पस तो ये है। इस पर्पस को जब हम पूरा करने के बारे में सोचते हैं तो ये पता लगता है कि जब हम ह्यूमन कॉन्शसनेस के साथ जीते हैं, मानवीय चेतना के साथ जीते हैं, तो हम सुखी रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, और दूसरों को सुखी समृद्ध करने की सोचते हैं। समाज के स्तर पर देखेंगे तो जब एक मानवीय समाज होता है, और मानवीय समाज का मतलब है जिसमें सभी लोग मानवीय चेतना के साथ जी रहे हैं, ऐसा समाज होता है तो हम सुखी होते हैं, समृद्ध होते हैं, दूसरों के सुखी समृद्ध होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं,
और इस तरह से पूरा समाज, समाज का हर व्यक्ति सुखी समृद्ध हो पाता है या उसके सुखी समृद्ध होने का व्यवस्था बन पाती है, अवसर बन पाता है। ये जो खुद में चेतना से, मानवीय चेतना से जीना है जिसके आधार पर हम सुखी समृद्ध हो सकते हैं, उसके लिए पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। ठीक है, इसी तरह ऐसा समाज बन जाए जिसमें हर व्यक्ति सुख समृद्धि से जी सके, हर व्यक्ति मानवीय चेतना से जी सके, उसके लिए सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। ठीक, उसी को फिर नीचे कनेक्ट किया है कि प्रोसेस को जब देखेंगे तो ये प्रोसेस होगा कि हमारा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, फिर हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं परिवार में या अपने किसी भी वर्क प्लेस में, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और फिर पूरे सोसाइटी का के लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन होने का प्रोसेस शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसलिए तीन पार्ट में उसको हम लोग अभी रख रहे हैं, एक सेल्फ डेवलपमेंट के रूप में, एक टीम डेवलपमेंट के रूप में, एक सोसाइटल डेवलपमेंट के रूप में। तो हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाए ताकि हमारा डेवलपमेंट हो जाए, है ना। हमारे साथ जो लोग हैं परिवार में, है ना, टीम में, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाए तो उनका डेवलपमेंट हो जाए, और फाइनली पूरे सोसाइटी में ये प्रोसेस शुरू हो जाए तो पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो जाए। ये प्रोसेस होगा। और इन दोनों के साथ जो प्रोग्राम्स की बात है उसको हम लोग डिटेल बात करेंगे बाद में, इसके तहत क्या क्या प्रोग्राम्स बनते हैं और उसके तहत क्या क्या एक्टिविटीज और क्या क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं और उसमें से कौन से भाग को अभी हम लोग हैंडल कर रहे हैं, तो उसके तहत से हम लोग अभी आगे क्या कर सकते हैं, अभी क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, उसमें आप क्या जिम्मेदारी ले सकते हैं, उसको आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने अभी कहा कि ट्रेडिशन में बहुत से अहम का बहुत लोग उसमें बिलीफ सिस्टम सीखी है, सेल्फ डेवलपमेंट हम हमारे लेवल पे करते हैं, 5% तक टीम डेवलपमेंट भी होगा, सोसाइटल डेवलपमेंट में नंबर ऑफ रिलीजन्स, नंबर ऑफ नीड्स, धारणाएँ, बिलीफ सिस्टम, उस पर ज़्यादा हमें हर्डल्स आएंगे, तो उस इतनी पुरानी ट्रेडिशंस को थोड़ा सा डाइवर्ट करे, पर्सुएशन लगे, है ना। देखिए दोनों जगह काम करेंगे ना, जब सेल्फ डेवलपमेंट का काम करते हैं तो जो भी लोग सुबह के सब को अटेंड कर रहे हैं, है ना, कितने लोग हैं जो नहीं अटेंड कर रहे हैं सुबह या कभी भी अटेंड नहीं किया प्रीवियस सेशन को, आदित्य और साकेत और देवेश ने किया, नहीं किया सुबह, ठीक दो ही लोग, ठीक है। तो बाकी लोग को ये आइडिया है कि जब आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं तो आपके भी जो अपने संस्कार हैं, है ना, वो तो बहुत इकट्ठा है, ठीक है, और उनको हैंडल करना इतना आसान काम तो नहीं है। आपको लगता है कि सब ठीक हो गया, बड़े खुश होते हैं आप, ठीक है ना, फिर एक जगह भूकंप आ जाता है, फिर आप कहते हैं ये क्या हो गया, सब ठीक हो गया था, अभी फिर से ऐसा क्यों हो गया। वो सुबह कहते हैं मैं गीता जी हैं और आजकल एक श्री लता जी हैं, ये बहुत बहुत खुले लोग हैं एकदम, है, तो वो बताते रहते हैं, है ना। जैसे कल ही परसों मैंने जो सेशन लिया था इंग्लिश वाला, तो कह रहे थे कि सब ठीक हो गया था, है ना, लेकिन अभी फिर जो है हमारे हस्बैंड ने कुछ कहा और हमको इतना गुस्सा आ गया। तो ये जो अपने संस्कार में इकट्ठा है वही बहुत जटिल है, जब काम करेंगे तो बता देते हैं। और जब समाज की बात करते हैं तो समाज का मतलब संस्कृति, संस्कृति का मतलब ये जो कलेक्टिव संस्कार है वो समाज का संस्कृति है, ठीक है। अब कितना कठिन होगा आप सोचिए, अपने का तो पता नहीं चल रहा है ठीक से और वो हैंडल नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब आप समाज का पूरा देखा जाएंगे तो कठिन है ज़्यादा। लेकिन देखिए इस दृष्टि से अगर देखेंगे तो हम इस बारे में सौभाग्यशाली हैं कि भारत जैसे देश में
जो संस्कृति विकसित की गई हजारों साल के प्रयास से, उसमें कुछ कुछ मूलभूत बातें तो बहुत अच्छी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट की हुई है, तो हमको उससे बहुत सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है ना, अभी जो बात हुई है, वो जो आदिवासी है उसको भी देह देही का पता है, कुछ रहना है उसका। आप एक मतलब जो जिस कल्चर में जिस परंपरा में इन सब की बातें नहीं हुई है उनके लिए बहुत कठिन होता है। मुझे याद है हम लोग मसूरी में वर्कशॉप चलाते थे तो ज़्यादातर बाहर के लोग उसमें आते थे पूरे विश्व से। तो इंग्लैंड की एक महिला थी, नील नाम था उसका, तो इतना आर्ग्यूमेंट करते थे, हर बात कुछ भी रखी है तो वो करते थे। तो मतलब दिन भर में कम से कम 100 प्रश्न पूछती होंगे वो। उसके बाद भी 5वें दिन उसको ये पता लगा कि जो हैप्पीनेस हम लोग कह रहे हैं वो और जो प्लेजर की बात है वो अलग अलग है। जबकि पहले दिन ही कह रहे हैं हैप्पीनेस इज टू बी इन हार्मनी, बट इतना संस्कार है उनका कि भाई सुख का मतलब तो प्लेजर ही है। वो 5 दिन 500 प्रश्न पूछने के तक भी उनको ये नहीं ध्यान में आया था कि ये दोनों अलग अलग चीज है, और ये जो कह रहे हैं बीइंग इन हार्मनी इज हैप्पीनेस, ये प्लेजर का मुद्दा नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ तो आप किसी को कहिए सुख अलग है आनंद अलग है तो कहना हाँ हमको पता है, और डिटेल ना भी पता हो बट उसको इसका एप्रिसिएशन है कि जो इंद्रियों से मिलने वाला सुख है और जो शांति की बात आनंद की बात हो रही है ये दो कोई अलग अलग चीज है ना। तो अगर आप उनसे बात करेंगे तो फर्स्ट दिन से ही उनको कम से कम ये कनेक्ट होता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो इसमें से सुख की बात है या आनंद की बात है, तो वो एडवांटेज भी है। और इस देश में तो बहुत एडवांटेज है इसका, इसीलिए हम लोग शुरू में कहा कि जो बात हम लोग कह रहे हैं हम लोग कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, हजारों साल की परंपरा में सत्य को जानने का जीने का और लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास है ना, उसमें से हमको जो समझ में आ रहा है जीने में आ रहा है या उपयोगी लग रहा है उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ले जाने के दृष्टि से कर रहे हैं, तो कोई नया खोज नहीं है इसमें है। ये सिर्फ उसको एक बार प्रॉपरली आज के देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसको आर्टिकुलेट करने का और उसको मेन स्ट्रीम में ले जाके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है। तो बहुत मुश्किल नहीं है इस दृष्टि से देखेंगे तो, रिलेटिवली कई जगह हमको बहुत हेल्प मिलने वाली है उससे। तो ये जो बात अभी भानु जी कह रहे थे ना कि बिना पैसे के कैसे हो, इनफैक्ट बिना पैसे लिए कुछ काम नहीं करेंगे ऐसा भी लोग सोचते हैं, और अगर आप पैसा नहीं लेंगे तो लोग सिविल अटेंड नहीं करेंगे ऐसा भी सोचते हैं, है ना। हम लोगों ने जो ये संस्थान शुरू किया जमीन का और जो इंडियन क्या होने चलाते थे तो कहते थे कि अगर आपको फीस नहीं रखेंगे तो लोग सोचेंगे कि ऐसे भाई यार चीज है। हम लोगों ने उसको सस्टेन करके 10-12 साल तक ये चलता रहा, सस्टेन करके एक जगह पर ये दिखने लगा कि लोग तो ज्ञान के लिए आना चाहते हैं, आप पैसे तो उसके ऊपर बहुत चीज़ का जुड़ाव नहीं है, आप पैसा लेते हैं तो भी नहीं लेते हैं तो भी, एक दूसरा ज्ञान है तो देना भी चाहते हैं, उनको पैसा देते हैं नहीं देते हैं तो भी। तो अभी धीरे धीरे ये सब चीज़ें हुई, इसमें भी अभी बहुत सारा बीच में ये होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई बिना पैसा नहीं चल रहा है तो क्यों दे दें, तो अगर सबकी भागीदारी से होना है तो कई बार ये होता है कि लोग सोचते हैं कि और जगह खर्चा करना वहीं करेंगे, यहाँ तो देने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर वो भी एक फीस रहा, वो भी चल ही रहा है अभी भी ऐसे। तो हम लोग ये मानते हैं कि भाई ठीक है हमको समझ में आया तो हमारी जिम्मेदारी, या जिनको ऐसा लगता है कि हमको समझ में आया तो हमारी जिम्मेदारी है, जिनको अभी नहीं समझ में आया है भाई बच्चों के लिए तो आप खर्च करते हैं कि नहीं, तो ऐसा मान कर अभी उसको हम लोग चला रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो बात भी हम लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि कोई तो करता ही है इसलिए होता है, तो जिन्होंने करके यहाँ तक पहुँचा दिया अब आगे हम अपनी जिम्मेदारी संभाल लें उसको करने लगे। लेकिन जैसे अभी देश में एक बड़ी वो है, मतलब दोनों तरह की परंपरा है यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो यहाँ पर ये मानना है करीब करीब ज़्यादातर ट्रेडिशंस में जो भी यहाँ के संप्रदाय और रिलीजन्स हैं
कि अपने आय का एक सज्जन भाग समाज के लिए लगाना ही चाहिए, तो मिनिमम मानते हैं एक आना चाहिए और मैक्सिमम मानते हैं कि एक चौथाई है। उसके आगे तो है कि आप अपने को ही लगा दीजिए, संन्यास की जो परंपरा है उसमें यह है कि भाई आप अपने को फिर समाज के लिए आपने लगा दिया। वानप्रस्थ का परंपरा है कि उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आधा घर की तरफ है आधा समाज की तरफ आप कर रहे हैं। बट गृहस्थ की जिम्मेदारी ऐसा मानते हैं हमारे यहाँ कि कम से कम एक आना का मतलब 6% से लेकर 25% हमको समाज के लिए लगाना है, तभी समाज की व्यवस्था चल सकती है। अन्यथा सिर्फ सरकार आएगी और सरकार चलाएगी। तो व्यवस्था चलाने के लिए अगर हम स्वेच्छा से भागीदारी नहीं करेंगे तो शासन होगा। तो ये एक अच्छी प्रथा है, लेकिन एक प्रथा यहाँ पर ये भी है कि अपने बच्चे के लिए तो हम कुछ भी करने का तैयार हैं, है ना? दूसरे के बच्चे का भले छीनना पड़े तो कोई बात नहीं, है ना? ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, अब सब समझना पड़ता है धीरे धीरे जब आप समाज में काम करने जाते हैं। ये दोनों का भी मूल्यांकन होना जरूरी है। तो बहुत सारी अनुकूलताएं हैं, बहुत सारी इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हैं, होंगे ही, वो सबका सामना तो करना ही पड़ेगा। बट जैसी बात अभी भानु जी ने कही और मैंने इसको बहुत रिपीट किया ठीक से कि ये सब का एक जो क्या कहते हैं इसको इनिशियल जो क्या कहते हैं इसको जेस्टेशन पीरियड होता है ना, वो तो हो गया अभी ना। अभी हम लोग एक हाईवे पर आ गए मोदी जी कह रहे थे, तो अब ज़्यादा स्पीड से चल सकते हैं, बहुत कम इनपुट लगाकर बहुत ज़्यादा आउटपुट आ सकता है। शुरू में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आउटपुट लगा के बहुत थोड़ा सा इनपुट लगा के बहुत थोड़ा सा आउटपुट आता है, तो करना तो पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई हम लोग कुछ किए तो आपका काम आसान हो गया, हम लोग कुछ किए हैं तो आगे काम करने की संभावना बन गई है। बट आपको भी मन और ऊर्जा सबको लगानी पड़ेगी, मन तन धन तीनों लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये तीन बातें हैं, बहुत ब्रीफली देखेंगे। तो पर्पस के रूप में कि मैं खुद सुख समृद्धि पूर्वक जी सकूं, निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जी सकूं, और पूरा समाज का हर व्यक्ति सुख समृद्धि पूर्वक जी सके, निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जी सके, ये पर्पस है। ये पर्पस ठीक है कि नहीं? अगर ये पर्पस है तो उसको एंश्योर करने के लिए हमको खुद ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ जीना आवश्यक है, और धीरे धीरे समाज के हर व्यक्ति मानवीय चेतना से ह्यूमन कॉन्शियसनेस से जी सके, है ना? इसका रास्ता बनाना जरूरी है। उसी प्रोसेस को जो हम लोग कह रहे हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट जरूरी है, टीम डेवलपमेंट जरूरी है, और सोसाइटल डेवलपमेंट जरूरी है। क्योंकि सोसाइटल डेवलपमेंट का जो काम है वो इतना जंप का काम नहीं है, सेल्फ डेवलपमेंट से सीधा सोसाइटल डेवलपमेंट में जाएंगे, उसका पूरा स्टेज है। तो अपने से शुरू करिए तो आपके आसपास परिवार के लोग हैं, है ना, पास पड़ोस के लोग हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं वर्क प्लेस इंस्टीट्यूशन में वह है, इंस्टीट्यूशन भी एक बड़े इन्वायरमेंट में है, किसी शहर में किसी कस्बे में, ऐसा देखेंगे तो पूरे विश्व तक जुड़ा हुआ है। तो जब टीम डेवलपमेंट हम लोग कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि बीच के जितने भी स्टेजेज हैं उसको हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। अभी आप अपने लिए देखेंगे इमीजिएटली तो कम से कम परिवार ना, वो एक टीम है, और फिर जो इंस्टीट्यूशन जहाँ आप काम कर रहे हैं वो एक लेवल है, और अभी ये जो हम सब लोग मिलकर इस पीएचबी के काम को चला रहे हैं वो एक और बड़ी टीम है। इतनी जगह पर हम अभी टीम को देख सकते हैं और उसमें जिम्मेदारी को पहचान सकते हैं। जैसे टीम डेवलपमेंट की बात है, परिवार में इस देश में कम से कम खुद विधिवत काम हुआ कि परिवार की इतनी सारी जिम्मेदारियों को, है ना, कैसे हम खुद पहचान सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी स्वीकार सकते हैं और चला सकते हैं। कलकत्ता के प्रोफेसर हैं चक्रवर्ती जी, अब रहने प्रोफेसर रिटायर हो गए, नौकरी हो गई उनकी, उन्होंने एक हाउस वाइफ वे ऑफ मैनेजमेंट बोलकर एक सिद्धांत डेवलप किया। वो कहता है कि एक हाउस वाइफ को, इंडियन हाउस वाइफ को देखेंगे तो 130 से ज़्यादा प्रकार के जिम्मेदारियाँ उसके पास होती हैं, और उसको इतने ब्यूटीफुली मैनेज करती है ना, और उसके बाद भी लोग कुछ नहीं करती, खाली रहती है ना।
बट उसमें मुख्य बात क्या है, हमारे यहाँ बहुत बचपन से ये बात को मतलब बैठाते हैं मानस में कि भाई तुमको परिवार चलाना है, तो पुरुष किसी काम का हो या नालायक हो तुमको चलाना है, सास तुमको है ना ध्यान दे या झगड़ा करे लड़ाई करे जो भी करे है ना तुमको चलाना है। वो जब बच्ची रहती तब से उसकी ट्रेनिंग होती है 12-13 साल में, हमारे यहाँ तो ऐसा ही था कि 12-13 साल में उसको मतलब स्कॉलर हो गया था, ग्रेजुएट डिक्लेयर कर दिया था कि अब ये चला सकती है, और उसका तरीका ही होता था क्योंकि घर का सारा काम से की जिम्मेदारी होती, तो माँ होगी या बड़ी दीदी होंगी वो सिर्फ सुपरवाइज करेंगे है ना, वो सारा काम कर रही है, उसको चलाना ही है अभी आगे जाकर। तो ये सब है बहुत सारा जो पास में अवेलेबल है, तो उसका सदुपयोग हो सकता है। ठीक बताइए, इसका कोई ये प्रश्न हो तो मैं तो एक दो चीजों को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इस पर मैं बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, ये जो विजन की बात हो रही है, जो फोकस की बात हो रही है, जो प्रोसेस की बात हो रही है, उसके लिए हम लोगों ने एक कोर्स अभी बहुत विस्तार करके जो डिजाइन किया वो USP4 के नाम से है ना, विजन फॉर ए ह्यूमन सोसाइटी। तो एक पूरा कोर्स है, इसका मटेरियल डेवलप हो गया है, कोर्स के रूप में वो अवेलेबल भी है ना, उसका कोर कंटेंट जितना है वो सब भी उपलब्ध है, उसकी बुक अभी पब्लिश होने की प्रोसेस में है, उसके लेक्चर भी रिकॉर्ड हो गए हैं लेकिन उसका फाइनल एडिटिंग का काम चल रहा है, बट इसका मटेरियल जो अभी चाहिए आपको वो मिल सकता है, सब अवेलेबल है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं उसको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, इसके बहुत सारे डिटेल्स हैं तो मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बट देख के पहले मैं उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आप लोग को। तो इन 5 पार्ट में उसको हम लोगों ने प्लेस किया है। पहला नीड फॉर सिविलाइजेशनल चेंज, पर्सनल एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक सिविलाइजेशनल चेंज की जरूरत है, तो पूरे समाज को देखेंगे, पूरी सभ्यता को देखेंगे, तो ये लगता है कि भाई यहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं, बहुत यात्रा किए हैं लेकिन वो यात्रा पूरी नहीं हुई है, ठीक है, अभी आगे यात्रा करने की जरूरत है ताकि हम एक मानवीय समाज, मानवीय सिविलाइजेशन, सभ्यता को, संस्कृति और सभ्यता को सुनिश्चित कर सकें, तो उसकी जरूरत है, और इसलिए पर्सनल और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। इस पर बहुत सारी बातें हम लोगों ने की है ना। दूसरा ये कि इसको जब करने जाते हैं तो हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं उसका एक क्लैरिटी चाहिए। तो जैसे अभी मैंने कहा कि हम खुद सुखी समृद्ध हो सके, निरंतर सुख समृद्धि को लोग जी सकें, और ऐसा समाज सुनिश्चित कर सके जिसमें हर व्यक्ति सुख समृद्धि पूर्वक जी रहा है, उसके जीने की निरंतरता है, ठीक है। उसके बारे में कुछ फॉर्मुलेशन आप लोगों ने बिल्कुल इंट्रोडक्टरी जो वर्कशॉप हम लोग करते हैं वहाँ से शुरू करके देखेंगे है ना। तो ह्यूमन गोल के रूप में कुछ चीज़ों को हम लोगों ने पहचाना कि हर व्यक्ति में सही भाव विचार हो, प्रसिद्धि होगा, हर परिवार में समृद्धि हो, प्रॉस्पेरिटी हो, व्यक्ति में भी जब देखेंगे तो सेल्फ के लेवल पर तो सही समझ और भाव विचार जरूरी है, बॉडी के लेवल पर देखेंगे तो हेल्थ जरूरी है, उसको फर्दर बाहर पर कैसे करेंगे तो वो ठीक ठाक, परिवार में जो है प्रॉस्पेरिटी समृद्धि की बात है, समाज में देखेंगे इन दोनों को अगर सुनिश्चित करने जाए, इसकी कंटिन्यूटी सुनिश्चित करने जाए हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की, तो परस्परता में संबंध पूर्वक जीना ये जरूरी है, सिर्फ अभय का है, विश्वास का है, और इसी तरह से अगर प्रोस्पेरिटी की कंटिन्यूटी हम चाहते हैं तो पूरी प्रकृति का समृद्ध रहना जरूरी है, तो इसलिए उसको हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट कह रहे हैं, परस्परता कह रहे हैं, अस्तित्व कह रहे हैं, उसका होना जरूरी है। तो ऐसे 4 चीज़ों की बात हम लोगों ने की थी, अब 5 चीज़ों की अगर हेल्थ को और अलग से रखते हैं तो 5 चीज़ों को लक्ष्य के रूप में पहचाना था, उसको प्रारंभिक इंट्रोडक्टरी शिविर से ही बात कर रहे हैं ना, तो उसमें हमको बहुत एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं लग रही है। उसके फुलफिलमेंट के लिए प्रोग्राम क्या है उसके बारे में ब्रॉडली कुछ बातें हम लोगों ने की है ना, प्रारंभिक शिविर में भी किया था, इंट्रोडक्टरी वाले में भी, और फिर जितने भी रिफ्रेशर किए, हायर लेवल के वर्कशॉप्स किए, उन सब का जो है उसमें वो सब चीज़ें क्लारीफाई की गई। ये 3 चीज़ को अगर फिक्स कर लेंगे तब उसके लिए क्या एफर्ट्स की जरूरत है
पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है ना, उसके बाद थोड़ी करेंगे जिन्हों यहाँ रहते हुए, और इसको करने के लिए फिर क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और उसके लिए हमारा क्या कमिटमेंट है। तो ये दो बातें हम लोग यहाँ पर तय कर पाए, इस आशय से हम लोग मिले हैं जैसा मैंने बताया। बट ये तीनों का बैकग्राउंड आपके पास तो है, बट एक बार आप पूरे इस विजन फॉर ए ह्यूमन सोसाइटी का जो कोर्स है उसको अगर देख लेंगे तो बहुत डिटेल आपको उसका व्यू मिल जाएगा। बट फिर भी मैं थोड़ा डिटेल इसमें यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ ताकि वहाँ जब आप देखने जाएंगे तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। ये बात मैंने कही कि ये जरूरी भी है और विद इन रीच है और हम सब कर सकते हैं और हमारा उसमें स्पेसिफिक भागीदारी हो सकता है। तो गोल के रूप में ये देखेंगे, ब्रीफ में देखेंगे तो ये चार गोल की बात है ना। डिटेलिंग करने जाएंगे कि इंडिविजुअल के लेवल पर इसका क्या मतलब है, फैमिली के लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर क्या है, वो सब डिटेल होगा। प्रोसेस के रूप में देखेंगे तो संबंध पूर्वक हम उसको कर सकते हैं रिलेशनशिप के बेसिस पर, और फिर पूरे समाज के स्तर पर देखेंगे तो रिलेशनशिप के साथ साथ एक सिस्टम, एक व्यवस्था है ना चाहिए, उसके साथ कर सकते हैं। उसी को यहाँ एक्सपैंड किए हैं फर्दर कि मानव के चाहना तो इतना है, जीना सुखपूर्वक, जीना निरंतर सुखपूर्वक जीना, और निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए समझ भी जरूरी है, संबंध भी जरूरी है, सुविधा भी जरूरी है। ये सब बातें ठीक से आपके ध्यान में है। मानव लक्ष्य को देखेंगे सामूहिक स्तर पर अगर पहचानेंगे तो पहला है सुखी होना, तो हर व्यक्ति में सुख की निरंतरता हो जाए, सुख के साथ साथ समृद्धि की निरंतरता हो जाए। तो परिवार में देखेंगे तो हर व्यक्ति सुखी हो और हर परिवार समृद्ध हो, उसकी निरंतरता, ये दोनों को ही हम सुनिश्चित करने जाए, जिसको अभी हम लोगों ने गोल के रूप में पहचाना कि सुख समृद्धि की निरंतरता एक व्यक्ति में और पूरे समाज में, उसको करने जाएंगे तो उसका एक एसेंशियल भाग है आपस में संबंध पूर्वक जीना मानव के साथ और संबंध पूर्वक जीना शेष प्रकृति के साथ। तो मानव के साथ जो संबंध पूर्वक जीना है उसी को हम विश्वास के रूप में, संबंध के रूप में और अभय के रूप में पहचान रहे हैं, और शेष प्रकृति के साथ जो संबंध पूर्वक जीना है उसी को हम परस्पर पूरकता के रूप में, अस्तित्व के रूप में पहचान रहे हैं। इतना हमारे को लक्ष्य के रूप में हम पहचान सकते हैं। इतनी डिटेलिंग कर देने का जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो इंक्लूडेड है ये दोनों चीज़ें उसको एक्सप्लिसिट कर बना दे तो छूटने का संभावना कम रहता है ना? लेकिन क्या होता है जितना आप एक्सपैंड करते जाते हैं उतना लोगों को हैंडल करना मुश्किल होता है। तो ये आपके लिए तय करने के बाद है कि अभी जो एसेंस है उसको बिठाना है या उसको एक्सपैंड करते जाना है कितना। जैसे संबंध को भी आगे बहुत एक्सपैंड करेंगे हम लोग, तो अस्तित्व को भी बहुत एक्सपैंड करना है। लेकिन अगर सुख कोई पकड़ ले आपके निरंतर सुख हम जी सके सुखपूर्वक, और हर समाज का व्यक्ति जो है समाज के हर व्यक्ति निरंतर सुखपूर्वक जी सके, उतने को भी अगर आप ठीक से पहचान लें गोल के रूप में तो ये सब उसमें इंक्लूडेड होंगे। बट ये दो को इसलिए हम लोगों ने फिक्स किया क्योंकि शुरू में जब हम लोग सुख से बात कर रहे थे ये सब बहुत हार्ड अर्न एक्सपीरियंस है ना, तो लोग बार बार ये कन्फ्यूज करते थे कि आप सुख की बात कर रहे हैं है ना, सुविधा का क्या होगा। तो उनको लगता था सुख के चक्कर में कहीं सुविधा छूट ना जाए, ठीक है ना, तो समृद्धि को इंक्लूड करना पड़ा इसलिए, नहीं तो सुख से भी हैंडल हो सकता है सारा काम। इनफैक्ट अगर आप PHB 2 की किताब को ठीक से पढ़ेंगे और पूरे कंटेंट को देखेंगे है ना, तो उसका पूरा जो रनिंग थ्रेड है वो तो सुखी है, निरंतर सुखपूर्वक जीना, ठीक है। समृद्धि को शुरू में लाए हम लोग, पहले 2-3 चैप्टर में उसको रखे हैं, उसके बाद वो गायब हो गया है ना, उसके बाद जो है फिर सुख में जो बात हो रही है कि निरंतर सुख पूर्वक देने के लिए हर स्तर पर व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना है, उसी की बात हो रही है लास्ट तक। बट जब शुरू में हम लोग करते थे उस टेबल के काम उसको तो बहुत लोग ये परेशान होते थे कि आप लोग ऐसा नहीं हो कि आप आइसोलेशन में चले जाएँ और त्यागी हो जाए और ये सब मसाला था, तो फिर समृद्धि को प्लेस करना पड़ा कि उसको भी रख देना ठीक है। तो ये एक बहुत ब्रीफ था और उसको हम ब्रीफ कर रहे हैं कि सुख समृद्धि की निरंतरता ये हमारा लक्ष्य। लेकिन इसको भी अगर थोड़ा विस्तार करें चारों को तो बहुत सारा विस्तार हम लोगों ने वहां पर किया।
ये जो चार लक्ष्य को पहचाने हम लोग, उसमें मानव के स्तर पर देखने जाएंगे तो क्या विस्तार है, ठीक है। तो मैं और शरीर का अस्तित्व है मानव, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, मैं सही समझ, सही भाव विचार, शरीर में स्वास्थ्य, जो भी तन मन धन हमारा पास है उसका सदुपयोग क्षमता, परस्परता में जीते हुए व्यवहार उत्पादन को ठीक ठीक कर पाने की योग्यता, व्यवस्था में भागीदारी की मानसिकता, कम से कम परिवार में निर्वाह कर सके इन भागीदारी को, ठीक है, और जितना फैलेंगे तो उतना विश्व परिवार तक उसको कर पाए। इसी को अगर आप परिवार के स्तर पर देखेंगे तो इतने सारी चीजें दिखती है। अब ये सर एक्सपेंशन है ना, उसी लक्ष्य को अब हम अलग अलग स्तर पर देख रहे हैं ना। व्यक्ति के स्तर पर देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, परिवार के स्तर पर देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, समाज के स्तर पर क्या दिखाई पड़ेगा, और अंततः प्रकृति के स्तर पर क्या दिखाई पड़ेगा। ये सब एक्सपेंशन सब अवेलेबल है ना, तो आप लौट कर देख लीजिएगा। इतना जब ध्यान आ जाता है तो ये पता चलता है कि आज की जो समस्याएं हम फेस कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि ये जो हमको करना है वो हम नहीं कर रहे। ये अगर पता लग जाए तो एक महत्वपूर्ण डिस्कस उससे ये निकलता है कि हमको समस्या के लिए काम नहीं करना है, हमको समाधान के लिए काम करना है, ठीक है। सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच लेकर अगर हम चलेंगे तो प्रॉब्लम्स अपने आप ही डिसअपीयर हो जाएंगे। जैसे आपको हमसे बहुत शिकायत है क्योंकि मेरा व्यवहार आपके साथ आपको तृप्तिदायक नहीं है, ठीक। अगर मेरा व्यवहार सही हो जाए तो ये जो प्रॉब्लम वो अपने आप ही चली जाएगी। अभी हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि प्रॉब्लम तो बना रहेगा, उसके लिए कोई ना कोई डाइवर्जन लगाते हैं ना, कि नहीं। तो ज़्यादातर ऐसा ही है कि भाई प्रॉब्लम बना रहेगा, ब्लड प्रेशर तो हाई होता ही रहेगा, तो सर क्या सॉर्बिट्रेट क्या होता है वो अपने पास रखे रहिए, जब भी ज्यादा बढ़े तो एक रख लीजिए मुंह में, है ना। ऐसा कुछ बताते हैं तो समस्या तो इसलिए है क्योंकि सही हम नहीं जी रहे, सही नहीं समझ रहे, सही समझने लगे सही जीने लगे तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। तो हमको सही समझने और सही जीने के लिए काम करना है, सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच से चलना है। और अभी पूरा जितना आप पीएचडी का काम देखेंगे तो उसमें कहीं भी हम प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करते, हम तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात होती है तो उससे धीरे धीरे समस्या अपने आप दूर होने लगती है। तो समाज में सही व्यवहार करेंगे और व्यवस्था का सटीक क्रियान्वयन करेंगे तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो सही है वो होने लगेगा। इसके बहुत सारे डिटेल्स हैं ना, ये सबको ठीक करने जाएंगे, सही करने जाएंगे। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है, स्वास्थ्य है, न्याय है, उत्पादन सेवा है, विनिमय है, वितरण है, सदुपयोग है, सुरक्षा है, प्रशासनिक सेवा है। ये जो प्रैक्टिकली आज के दिन अगर हम जीने जाते हैं तो ये सब काम कर ही रहे हैं, समझ के बिना कर रहे हैं। अभी समझ के साथ करने जाएंगे तो उसका कैसा स्वरूप होगा, है ना, और उसमें अपन क्या कर सकते हैं उसका विस्तार है। तो ये सब है, शिक्षा के आयाम के कुछ डिटेल्स हैं, स्वास्थ्य के आयाम के डिटेल्स हैं, न्याय के आयाम के हैं, उत्पादन और सेवा के हैं, विनिमय और आयाम का है, सदुपयोग का है, सुरक्षा का है। तो डिटेल्स को धीरे धीरे देख सकते हैं ना, जैसे विनिमय और वितरण, ये दो चीजें उनकी बात हम लोग करते हैं समाज में। अगर देखेंगे तो विनिमय का मतलब है कि मैं आपसे कुछ देता हूँ, आपसे कुछ लेता हूँ, ये विनिमय है। वितरण का मतलब है कि समाज में अगर हम संबंध किसी के साथ महसूस करते हैं तो हम उनको बांटते हैं ये चीजों, बदले में कुछ लेने की अपेक्षा से नहीं करते, ठीक। अगर दूसरा भी संबंध महसूस करता है तो वो भी हमको देता है, हम उसको देते हैं चाहे नहीं देते, ठीक है। जैसे माँ जो है बच्चे का ख्याल रखती है तो वो कोई इकोनॉमिक्स के हिसाब से नहीं रखती, जिसको अभी इकोनॉमिक्स मानते हैं, ठीक है। और तो बच्चे के प्रति जिम्मेदारी है इसलिए करती है, बच्चा अगर वो जिम्मेदारी को फिर करता है तो बच्चा करता है, नहीं करता है तो चला जाता है, फिर माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। ये सब बहुत सारी चीजें हैं, इसके डिटेल्स को हम लोग नहीं जाएंगे। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, जिसको भी हम लोग कभी बात करना चाहते हैं, इतने तक की जो बात डिटेल है उसको आपको देखना पड़ेगा यूट्यूब फोर में जाकर, काफी ठीक से उसको किया गया है, उसका मटीरियल सब अवेलेबल है।
इन सब का देख लेंगे आप। कहीं अवेलेबल है राजू भैया, नेट पर है? उस पे है अवेलेबल, राइट, यूट्यूब से, यूट्यूब पर अवेलेबल है। थ्री कभी, फोर कभी, तो इस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। ये जो तीन बातें हैं कि अगर ऐसे समाज को सुनिश्चित करना है तो उसके प्रोसेस के रूप में ये तीन चीजें हैं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कहें, सेल्फ डेवलपमेंट कहें, फिर टीम डेवलपमेंट और फिर सोसाइटल डेवलपमेंट। ये तीनों काम को करना है। इसमें से जो सोसाइटल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, और उसी के तहत हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, उस पर काम किया, उसकी जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग शेयर कर रहे हैं। आगे उसको और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, एक्सपेंशन के साथ, विस्तार के साथ किया जाना है, तो उस पर आगे बात करेंगे अभी भैया। तो इतने के साथ, हाँ, एक सौ छोटा सा सर, अभी आपने वितरण और विनिमय की जो बात की, तो उसमें अगर आज के कंटेक्स्ट में भी देखें, अगर मैं समृद्ध हो गया और मेरे पास कोई अतिरिक्त सुविधा बच गई है, तो मैं आज भी ये माइंड तो अप्लाई करता हूँ कि ये सुविधा किसके लिए उपयोगी है। तो मतलब वो प्रयोजन के साथ तो मैं देखता ही हूँ, मतलब अपेक्षा नहीं है, लेकिन इस रूप में तो अपेक्षा है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो अपने शरीर का और अपने मन का सबका दुरुपयोग कर रहे हैं, व्यक्ति सदुपयोग कर रहे हैं, तो हम लोग ये चाहेंगे कि ये सदुपयोग जो कर रहे हैं इसके काम में आ जाए। तो इतना तो हम अपेक्षा, एक सेंस में तो अपेक्षा है भी, मतलब कि बिल्कुल, देखिए जो बच जाता है उतना ही नहीं, अगर संबंध महसूस करते हैं, है ना, तो हम अगले की जरूरत को पहले पूरा करते हैं। परिवार में ऐसे चलता है ना, देखिए कम से कम भारत में तो ऐसा होता है कि माँ जब खाना बनाती है तो पहले खुद खाती है कि पहले बच्चे को खिलाती है, परिवार के सब लोगों को खिलाती है उसके बाद खाती है, ऐसा नहीं कि पहले खुद खा लिया फिर बचा तो सबको खिला दिया बचा तो सबको खिला देना तो बिल्कुल ही जरूरी है, क्योंकि वो अगर आप नहीं करेंगे तो सड़ेगा, वो सड़ेगा तो आपके लिए भी दुखदाई है, आपके बच्चों के लिए भी दुखदाई है, पूरे समाज के लिए भी दुखदाई है। ये जो आज के दिन क्या हो गया मॉडल, हम अपना खर्चा बढ़ाते जाते हैं, आवश्यकता को नहीं पहचानते। ये जो हम खर्चा बढ़ा लेते हैं उससे हमारे बच्चे खराब होने लगते, ठीक, आपको भी लगता है हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको भी दुखद है, बच्चे उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, बच्चों का संस्कार खराब हो जाता है, ठीक, और समाज में तो अभाव क्रिएट होता ही है, समाज में तो अभाव क्रिएट होता ही, तो समाज को भी दुख उठाना पड़ता है। तो जो अतिरिक्त है उसको तो तुरंत ही लगा देना चाहिए, उसको आप नहीं लगा रहे हैं तो आपके लिए, परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए दुख पैदा कर रहे हैं। लेकिन अतिरिक्त नहीं भी है तो आपको प्रायोरिटी तय करनी है, जो है हमारे पास उसको कहाँ लगाएंगे। देखिए हमारे इसलिए वही मैं कह रहा हूँ, इस ट्रेडिशन को जब लौट कर देखेंगे ना आप, तो बहुत सारी अच्छी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। हमारा एक सिस्टम है उपवास रखने का, ठीक, सभी लोग करते हैं उपवास यहाँ पर जितने बैठे हैं, कोई बहुत ही मॉडर्न हो गया तो अलग बात है, और उपवास के साथ दान करने का। तो ऐसे आप अतिरिक्त खा रहे थे, ठीक है ना, अगर आप उपवास रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा ना, खराब नहीं होगा, और उसको अगर आपने जमा कर लिया तो फिर वो प्रदान करेगा आपको, ठीक है ना। तो दान करना है, दान किसको करना है, जो समाज में सार्थक सदुपयोग कर सकता है ना। इसलिए हमारा यह था कि जो ज्ञानी व्यक्ति है जो समाज का काम कर रहा है उसको दान करना, ठीक है ना। उसमें भी दो भाग होता था, आपको अगर कभी पता हो, सुने दान और दक्षिणा दो चीज होती है, इसमें क्या अंतर, दान का मतलब है कि जो साधन मेरे पास है और मुझे लगता है कि आप समाज के लिए ज्यादा अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं वो हम आपको देते हैं, ये दान है, और आप उसका सदुपयोग की जिम्मेदारी स्वीकार रहे हैं, इसलिए आपको भी कुछ जरूरत होगी, वो दक्षिणा है। ठीक है, तो उपवास रखते थे आप और दान दक्षिणा दोनों करते थे,
अभी लग क्या है, न दान कर रहे हैं न दक्षिणा कर रहे हैं, उपवास भी नहीं रख रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, ओवर वेट से सफर कर रहे हैं, उसके लिए फिर दान दे रहे हैं उसके लिए बड़ी मोटी मोटी फीस देते हैं हमको एक व्यक्ति मिले बिलासपुर में, व्यक्ति का यंग लड़का था, वो जब तक 22-23 साल का होगा, तो वो अपना ऑपरेशन कराने आया था वो बिलासपुर में। तो आजकल एक ये निकला है कि आपका ओवरवेट जब हो जाता है तो अब क्या करेंगे, तो उसको पहले बहुत सारे तरीके अपनाता, लेकिन उससे भी नहीं होता, मन नियंत्रित नहीं है तो क्या करेगा, तो उसका पेट का कुछ भाग को काट के छोटा कर देते हैं, फिर सिर देते हैं। अब हाथ में जगह कम है तो थोड़ा खाने से पेट भरा हुआ लगता है, ठीक है, इसलिए आप ज्यादा खा नहीं पाते हैं। इस तरह से आपको नियंत्रित किया जाता है, बट उसमें मजे की बात है कि साल डेढ़ साल के बाद वो हाथ अपने आप में फिर लंबी हो जाती है फिर ये सब कराना पड़ेगा, सुन लीजिए, अगर ये नहीं करेंगे है ना, कि जो अतिरिक्त है उसको सार्थकता में नहीं लगाएंगे, या जो ज्यादा सार्थक काम है उसको क्वालिटी में नहीं रखेंगे, तो ये सब करते रहना पड़ता है। तो विभजन तो बहुत जरूरी है, ना तो उसके बिना परिवार चल सकता है, ना उसके बिना समाज चल सकते हैं, या कोई भी संगठन नहीं चल सकता, समाज का कोई भी सिस्टम जो है नहीं चलेगा। फिर क्या होता है, फिर लोग गदीचे जैसे लोग फिर चलाते हैं इसको अगर आप नहीं देंगे तो गदीचे को अपना आखिरी हड्डी तक देना पड़ता है। ऐसे चलता है, अपने पास सब उदाहरण है इस देश में। आप तो इस पर हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर एक्सपैंड करेंगे, हैं दोपहर के सत्र में बात करेंगे, ठीक है राजू भैया, यहाँ रोक लें जी।